हाय, तो बेसिकली मैंने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी जहां पे लिखा था कि एक शॉपकीपर अपने ही प्रोडक्ट से इतना प्यार में पड़ गया कि उसने अपने ही कस्टमर से जाके वो वापस खरीद लिए। अभी आपको तो बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन एक स्टॉक मार्केट में ये चीज होती रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक शेयर बायबैक। तो चलिए आज शेयर बायबैक की बातें करते हैं। वेलकम टू अ न्यू सीरीज लर्न विद अपस्टॉक्स। आई एम आदित्य अय्यंगर और इस सीरीज में हम बात करेंगे अबाउट सम की एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, कॉर्पोरेट एक्शंस एंड सम अदर इंपॉर्टेंट जनरल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है शेयर बायबैक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि बायबैक्स का पर्पस क्या होता है और उसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पर और कंपनीज पर कैसे डिफरेंट वेज में पड़ सकता है। तो ये स्टॉक बायबैक्स एक्चुअली होते क्या है? They're exactly what the name says. एक कंपनी आती है and it buys its own shares back from its shareholders. अब इसके बहुत सारे advantages होते हैं। Many companies just prefer a buyback to a dividend at times because it improves the financial ratios of the company. अब इसका क्या मतलब होता है? Let's consider the earnings per share. एक ऐसा measure जो कंपनी के सारे earnings को उसके सारे शेयर से डिवाइड कर देता है। इससे हर शेयर के लिए जितने profits कंपनी के पास है उसका एक फिगर मिल जाता है। अभी अगर शेयर्स कम हो गए, यानी कि अगर डिनोमिनेटर ही कम हो गया आपके डिविजन में, तो फाइनल नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी रेशियो को इम्प्रूव करने बायबैक्स किए जाते हैं। एंड एज अ बोनस स्टॉक की प्राइस भी थोड़ी सी बायबैक के समय बढ़ जाती है बिकॉज द टोटल सप्लाई ऑफ शेयर्स इन द मार्केट गेट्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अभी एक बायबैक को कभी कभी डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। दैट्स बिकॉज शेयर होल्डर्स के हाथ में प्रॉफिट्स देना ही एक ऑब्जेक्टिव है, और अगर इसके दौरान आपका वैल्यूएशन भी इंप्रूव हो जाए तो व्हाई नॉट। एज एन एडेड एडवांटेज, बायबैक्स आरंट टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एज पर द मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट, व्हेयरएज द डिविडेंड इज जस्ट एडेड टू योर इनकम एंड टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अनदर रीजन व्हाई कंपनीज डू इट इज टू मेक श्योर दैट द कंपनीज प्रमोटर्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, गेट मोर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यानी कि एक ओनर का स्टेक 51% से 55% करने के लिए भी एक शेयर बायबैक किया जा सकता है। सो अभी हमने देखा हाउ बेनिफिशियल अ बायबैक इज बोथ टू द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑन बायबैक्स ऑन आवर सीरीज लर्न विद अपस्टॉक्स। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे एंड इफ यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियोस जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द वीडियो, डू लीव अस अ कॉमेंट बिलो। And don't forget to hit the bell icon so that you'll get a notification every time we're uploading latest videos.